हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो पहला तरीका था डिफेक्ट प्रोड्यूस करने का, जिसमें एनायन अपने लैटिस साइड से गायब हो जा रहे थे और क्रिस्टल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा था। और इसका एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का लेकर के चले थे हम लोग, जिसमें से एफ सेंटर को डील करा था हमने। बहुत इम्पॉर्टेंट एफ सेंटर, एग्जाम में क्वेश्चन होना ही है, चाहे वह बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कोई आगे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, 100% क्वेश्चन उससे होगा। अब इस एफ सेंटर के जैसे ही और कई सेंटर्स हैं, आसान सा है इसलिए उसको हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। एफ सेंटर एक बतलाया हमने, क्या है देखेंगे। एफ के अलावे एफ डैश सेंटर होता है, एफ ए सेंटर होता है, एम सेंटर होता है, ये सभी कलर सेंटर हैं, आर सेंटर होगा, और इसके अलावे एच और वी सेंटर्स भी होते हैं। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एफ सेंटर ही है, लेकिन ये सारे सेंटर्स भी होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हैं क्या सब हम लोग देखते हैं। एफ सेंटर में हम लोग क्या देखें, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, कि एनायन जहां नहीं है, जहां से एनायन हटा उसके वैकेंट लैटिस साइट में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी को हम लोग बोल रहे थे एफ सेंटर। तो एफ डैश सेंटर में क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, कि यदि एनायन वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन के जगह दो दो इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ डैश सेंटर। हो ही सकता है एक जगह दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हो सकते हैं, तो ऐसे भी एक लाइन में याद रखोगे कि एफ सेंटर क्या है तो लिख दोगे कीप सिंगल इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, देन इट इज कॉल्ड एफ सेंटर। सो व्हाट इज एफ डैश सेंटर, तो इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी इट इज कॉल्ड एफ डैश सेंटर। उसी प्रकार से एफ ए सेंटर, एफ ए सेंटर में है वन ऑफ हुज सिक्स कैटायनिक नेबर्स इज ए फॉरिन मोनोवैलेंट एटम। क्या इसका मतलब है समझो, जैसे अभी सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेकर के हम लोग समझे, और जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बतला रहे थे तो वहाँ क्या बतलाए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिक्स होता है क्लोराइड का भी और सोडियम का भी। इसका मतलब कि यदि यहाँ एक क्लोराइड है तो इसके अगल बगल टोटल छः सोडियम होंगे, ऐसे इसके अगल बगल जो है छः सोडियम आयंस होंगे। ऐसा छः सोडियम आयंस होंगे, यही सबसे जो है गिरा हुआ होगा। अब यहाँ से डिफेक्ट क्रिएट होना है, मतलब कि Cl- हटेगा, और जहाँ से Cl- हटेगा उसके जगह पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन बोल रहा है कि इसके अगल बगल ये जो छः केटायन हैं, अब छः में से कोई एक आ जाएगा फॉरिन मोनोवैलेंट एटम, मतलब अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था ना, तो अगल बगल तो जाहिर सी बात है सोडियम के ही आयन होंगे, लेकिन बोल रहा है कि नहीं, अब छः में से कोई एक सोडियम यहाँ नहीं रहेगा और इसके जगह इसी के जैसा कोई दूसरा आयन आएगा। तो इसी के जैसा कोई दूसरा आयन, मतलब मान लो कि पोटासियम आयन आ गया, ऐसा, तब ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं एफ ए सेंटर। लिखा हुआ ना कि वन ऑफ हुज सिक्स कैटायनिक नेबर्स इज अ फॉरिन मोनोवैलेंट एटम, कि अगल बगल ये जो छः सोडियम आयन थे क्लोराइड के इर्द गिर्द, तो सबसे पहले क्लोराइड हट करके एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद ये जो छः सोडियम आयन थे उसमें से किसी एक को रिप्लेस कर देगा पोटासियम, कोई एक को ही, तो यही पोटासियम को यहाँ हम लोग बोल रहे हैं फॉरिन मोनोवैलेंट एटम। फॉरिन मतलब जनरल जो बात होता है इसका, विदेशी, जो हमारे देश का ना हो,
तो अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है मतलब इसके देश का सोडियम आयन होगा, पोटासियम आ गया तो विदेशी हो गया ना, फॉरिन हो गया दूसरा। अब मोनोवैलेंट आइटम मतलब भाई एक प्लस वाला आइटम होना चाहिए जिसका वैलेंसी एक होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए सेंटर। नेक्स्ट है इसमें एम सेंटर, नेक्स्ट क्या है एम सेंटर, तो एम सेंटर बोलते हैं पेयर ऑफ नियरेस्ट नेबर एफ सेंटर्स। मतलब यदि एक क्रिस्टल में बहुत सारे एफ सेंटर्स क्रिएट हुए हों तो उसमें से जो सबसे नज़दीक के दो एफ सेंटर होंगे तो दो एफ सेंटर का जो एक पेयर होगा वही कहलाएगा एम सेंटर। चूँकि क्रिस्टल में एक ही जगह वैकेंसी या एक ही जगह डिफेक्ट क्रिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे वैसे सिचुएशन आ सकते हैं, मतलब बहुत सारे एफ सेंटर्स क्रिएट होंगे, तो यदि ऐसे बहुत सारे एफ सेंटर्स बन रहे हैं तो इसमें से जो दो अगल बगल वाले एफ सेंटर होंगे तो दोनों मिला करके जो एक पेयर बनेगा वहाँ वही उस पेयर को हम लोग बोलेंगे एम सेंटर। नेक्स्ट आर सेंटर है, तो आर सेंटर में है कि थ्री नियरेस्ट नेबर, थ्री नियरेस्ट नेबर एफ सेंटर्स लोकेटेड ऑन ए 11 प्लेन। याद करो पीछे जब मिलर इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो बताए थे कि एक क्रिस्टल में कई प्लेन्स होते हैं और उन प्लेन्स को जो है हम लोग मिलर इंडिसेस के द्वारा दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि मान लो कोई 11 प्लेन है, ठीक, ये मिलर इंडिसेस है 111 जो है, सो मिलर इंडिसेस 111 मतलब HKL ऐसा। तो बोल रहा है कि इसी प्लेन में एफ सेंटर क्रिएट हुआ हो और बोल रहा है कि उसमें से जो सबसे तीन नज़दीक वाले एफ सेंटर होंगे तो ये तीनों को मिला करके, मतलब ऐसे यहाँ दो एफ सेंटर लिए थे तो ये एम सेंटर कहलाया, तो या दो एफ सेंटर किसी भी प्लेन का हो सकता है, लेकिन आर सेंटर में है कि यहाँ ये जो तीन एफ सेंटर होंगे सबसे पहले तो ये तीनों अगल बगल वाले होने चाहिए और ये कोई भी प्लेन का नहीं बल्कि किस प्लेन का हो, 111 प्लेन का। तो यदि इस प्लेन का तीन नियरेस्ट नेबर एफ सेंटर हो तो तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं आर सेंटर। अरे एच भी सेंटर के बारे में कुछ खास डिटेल एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस ये से ये सारे सेंटर्स भी क्रिएट होते हैं, तो ये सभी के सभी कलर सेंटर ही हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब एफ सेंटर के जैसा ही है, बस कभी एक इलेक्ट्रॉन तो कभी दो इलेक्ट्रॉन, कभी कोई फोरिन आइटम आ जा रहा है, कभी पेयर में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओवरऑल एक ही चीज़ है, एफ सेंटर ही मेन है। लेकिन एग्जाम में मिलता जुलता चीज़ है तो ये ना पूछ करके ही पूछ देता है, तो सिंपल सा चीज़ है लेकिन नहीं जानने के चलते क्वेश्चन छूट जाता है, तो ध्यान रखोगे इसको, बेहद इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो एफ सेंटर ही काफ़ी है, लेकिन हाँ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसके बाद का भी जो है वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एफ डैश वगैरह। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये पहला तरीका हम लोग देख रहे थे कि कैसे प्रोड्यूस होगा, तो एनायन अपने लैटिस साइट से हट जाएगा, उसके लैटिस साइट के जगह जहां वैकेंसी क्रिएट हुआ वहां कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसी इलेक्ट्रॉन के चलते क्रिस्टल में कलर आ सकता है जो कलर सेंटर या एफ सेंटर कहलाएगा। दूसरा तरीका इसमें हुआ ऐसा वाला M1+ ∆x, मतलब एक्स्ट्रा केटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा केटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन द नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट माने इसके पहले जो हम लोग देखे उसमें था कि एनायन ही हट रहा था तो केटायन वैसे ही डायरेक्टली बढ़ गया। इस बार एनायन को नहीं हटाया जा रहा है बल्कि केटायन नया लाया जा रहा है, और जब केटायन आएगा भाई तो फिर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो फिर न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऐसे मान लें कि ऐसा कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में यहाँ केटायन है ए प्लस, एनायन है बी माइनस, केटायन है ए प्लस, एनायन है बी माइनस, केटायन है ए प्लस, एनायन है बी माइनस, फिर केटायन है ए प्लस, एनायन है बी माइनस, केटायन है ए प्लस। तो क्या बोल रहा है कि एक्स्ट्रा केटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, कि कोई अब अलग से केटायन आ जाएगा। तो मान लो कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा केटायन आ गया ए प्लस, पहले से जो जहाँ था अपने जगह पे वो है, नया कोई बाहर से कोई केटायन आ गया। अब कोई केटायन आ गया तो वैसे ही केटायन का संख्या बढ़ गया, मेटल का संख्या बढ़ गया, मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया यहाँ पे। अब मेटल का या केटायन का नंबर ही नहीं बढ़ा है बल्कि उस केटायन का नंबर बढ़ने के साथ साथ प्लस चार्ज भी तो पूरे क्रिस्टल के लिए बढ़ गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए अगल बगल का कोई लैटिस साइट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अब केटायन का संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गया, मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। देख रहे हो इसके पहले जो पढ़े थे हम लोग उसमें क्या था, एनायन हट जा रहा था, इलेक्ट्रॉन यहीं आ रहा था। इस बार हटा कोई नहीं है, बाहर से केटायन आ गया है, केटायन ही आएगा क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है, और इस प्लस चार्ज जो बढ़ा है इसको मेंटेन करने के लिए बगल में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ताकि उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जा सके, क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़े ना। तो इस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो कि एक वाइट क्रिस्टल है, यू बोले कि कोई खास पर्टिकुलर कलर नहीं होता है उसमें, जिंक ऑक्साइड वाइट होता है। मान ले भी कि इसका जो कंपोजिशन है वह कुछ ऐसा है, Zn डबल प्लस आयन x के बराबर है और O डबल माइनस भी x के बराबर है, फॉर्मूला से तो वही लग रहा है हम लोग को, दोनों x के बराबर है, मतलब रेशियो x इज टू x का है। अब बोला है कि जब इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्गली हीट, तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूज करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, लूज करेगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूज करेगा तो अब जो इसका कंपोजिशन होगा कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखोगे, यहाँ जो जिंक और ऑक्साइड था तो जिंक हम लोग एक्स लिए, ऑक्सीजन भी कितना लिए, एक्स। अब यहाँ से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो हाफ ओ टू लिए, मतलब टू टू कर जाएगा, तो ओवरऑल एक ऑक्सीजन तो निकल ही रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है बेसिकली, ऑक्सीजन जो यहाँ है वो तो ऑक्साइड के फॉर्म में ना, ऐसे है ऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये ऑक्साइड ऑक्सीजन में कैसे बदलेगा, ओ प्लस दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यही वो को हम लोग लिख रहे हैं हाफ ओ टू, समझ रहे हो। तो यहाँ ऑक्सीजन तो निकला, साथ ही साथ ऐसा दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, और अब जो यहाँ बचेगा वो ऐसा बचेगा, Zn डबल प्लस तो x अभी भी होगा, लेकिन यह जो ऑक्साइड है क्या यह x होगा, नहीं होगा, यह x माइनस वन होगा, यह अब x ना हो करके x माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्साइड निकल चुका है ना यहाँ से O2 के रूप में ऐसे, तो x माइनस वन हो जाएगा।
तो अब जो यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन देखो इसको ऑक्यूपाई किया है, और फिर से यहाँ भी वही काम होगा कि जब इस पर लाइट पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांजिशन होगा, उसके चलते कलर शो करेगा, और कलर यहाँ भी येल्लो ही होता है जैसा कि सोडियम क्लोराइड में था। समझे बात को? तो यह जो कलर आ रहा है यहाँ ये भी आ रहा है किसके चलते? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते, कि जिंक ऑक्साइड का प्योर क्रिस्टल जो कि वाइट होता है जब इसको हीट किया जाता है काफ़ी स्ट्रॉन्गली, तो यह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूज करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, कैसे वो समझा दिए। तो वैसा करने से यह इलेक्ट्रॉन फिर वही ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट को, और इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के चलते फिर क्रिस्टल में क्या जाता है? कलर। यह जो कलर येलो होगा वह हॉट जिंक ऑक्साइड में होगा, गर्म है। जब वापस इसको ठंडा करोगे ना तो यही वाला रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। गर्म किए तो ऐसा हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, इसी इलेक्ट्रॉन के चलते कलर आया, और ये गर्म जो जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल जो हॉट है वह येल्लो है। जब इस हॉट क्रिस्टल को वापस कूल करोगे तो फिर से पहले के जैसा ही वाइट हो जाएगा, मैंने पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल की, जो ऑक्सीजन निकला जो इलेक्ट्रॉन निकला सब वापस अब इसी में घुस जाएगा और फिर ही पहले के जैसा नॉर्मल क्रिस्टल हो जाएगा, कलर इसका गायब हो जाना है। तो यहाँ जो जिंक ऑक्साइड का कलर है ये भी किसके चलते आ रहा है? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते क्रिएट हो रहा है। जैसा सोडियम क्लोराइड में कंसिडर करा था हमने, वैसे ही यहाँ जिंक ऑक्साइड में है। तरीका अलग अलग हुआ, मतलब वही है कलर एराइज होने का। ध्यान से समझ करके रखेंगे हम लोग, आता है एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड दोनों के जो डिफेक्टिव क्रिस्टल हैं वे येलो कलर्ड के हैं, क्यों? तो एक सिंपल सा एक लाइन में लिख के बताएंगे, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही हुआ है लेकिन तरीका अलग अलग हुआ है, कि सोडियम क्लोराइड में जो कलर आ रहा था उसमें एनायन कम हो रहा था, इसमें केटायन डायरेक्टली बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अंतर हुआ, लेकिन ओवरऑल हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही लेकर के चलेंगे दोनों केस में। और एक बात और बोलेगा यहाँ कि जिंक ऑक्साइड येलो कलर्ड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते, लेकिन डिफेक्ट के चलते येलो कलर तब है जब वह कैसा है? हॉट। हॉट जिंक ऑक्साइड येलो है क्योंकि वही डिफेक्टिव क्रिस्टल को जब हम लोग ठंडा कर रहे हैं तो उसका डिफेक्ट खत्म हो जा रहा है, वापस पहले के जैसा बन जा रहा है, और वो जो है पहले से के जैसा ही येलो से कैसा हो जा रहा है? वाइट हो जा रहा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब बारी आता है कि यह मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्रिएशन के चलते क्या फ़र्क पड़ता है क्रिस्टल पे, क्या इसका कंसिक्वेंस है, उसको देखते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कंसिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या परिणाम होता है? सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ओवरऑल हम लोग एक ही चीज़ देखें कि केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इन एक्सेस, कि केटायन यहाँ एक्सेस में होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से एक बात हम लोग और देख रहे थे कि इस क्रिस्टल में किसी ना किसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे थे, आ रहा था ना, चाहे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो चाहे जिंक ऑक्साइड का। देखिए भी हम लोग दोनों में जो है सो इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे, एक में वैकेंट सोडियम क्लोराइड वाला क्रिस्टल में या सोडियम क्लोराइड हाँ का जो क्रिस्टल था उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था? तो उसमें आ रहा था वैकेंट लैटिस साइट में, लेकिन जो जिंक ऑक्साइड लिए थे उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था? तो उसमें आ रहा था इंटरस्टिशियल साइट में। ये सब बात को भी ध्यान में रखोगे, आता है कि जिंक ऑक्साइड कलर्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई करता है जगह को,
ऑप्शन दे देगा लैटिस साइट, इंटरस्टिशियल साइट, बोथ लैटिस साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल साइट और इसमें वैकेंट लैटिस साइट को। तो इतना बात याद रखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में प्लस चार्ज केटायन बढ़ जाता है और साथ ही साथ क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो कंसिक्वेंस में सबसे पहला कि फ्री इलेक्ट्रॉन आने के चलते जो है कलर आ जाता है, क्रिस्टल्स बिकम कलर्ड, ये कलर्ड हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के चलते। उसके बाद क्रिस्टल्स बिकम पारामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाले बिहेवियर को पहले भी हम लोग देखें केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ रहे थे कि यदि कोई मैग्नेट है ऐसा दो पोल होता है नॉर्थ और साउथ, अब इस मैग्नेट के चलते इसके अगल बगल यहाँ फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे दो बातें हो सकती है, पहला कि यह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो या इससे दूर भागे। मैग्नेट से यदि अट्रैक्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पारा मैग्नेटिक, और यदि इससे दूर भाग रहा है तो यह कहलाता है डाया मैग्नेटिक। अब यह पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस का ही फीचर है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन, और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन सभी के सभी पेयर्ड होंगे। इसमें भी पेयर्ड होंगे लेकिन पेयर्ड के अलावे अनपेयर्ड होना जरूरी है, जबकि इसमें सारे के सारे पेयर्ड होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अभी जो हम लोग दो एग्जांपल देखे सोडियम क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड का, दोनों केस में क्या देखे थे कि क्रिस्टल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो वे तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मतलब ऑब्वियसली वे अनपेयर्ड ही रहना है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के चलते जो है पारा मैग्नेटिक हो जाएगा क्रिस्टल, मतलब अब मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब कि यदि सोडियम क्लोराइड का प्योर क्रिस्टल है तो ये होगा डाया मैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझोगे, लेकिन इसी सोडियम क्लोराइड का यदि डिफेक्टिव क्रिस्टल है जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो ये हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। तो एग्जाम में आता है कि सोडियम क्लोराइड इज डाया मैग्नेटिक व्हेन इट इज प्योर, सोडियम क्लोराइड इज पारा मैग्नेटिक व्हेन इट पोजेसेस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखोगे कि प्योर क्रिस्टल है तो डाया मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन डिफेक्ट आ गया इसमें तो होगा, पारा मैग्नेटिक बन जाएगा। क्यों? तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आने के चलते। अब यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के चलते ही क्या होगा कि क्रिस्टल जो है अब करेंट कैरी करेगा। प्योर क्रिस्टल यदि है सोडियम क्लोराइड का तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव सोडियम क्लोराइड जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी उतना भी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब एक बहुत बेहतर कंडक्टर या नहीं बनेगा, करंट पास करेगा लेकिन कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत पास करेगा, तो यह कंडक्टर ना बन करके सेमी कंडक्टर बनता है। कंडक्टर ना बन करके क्या बनता है? सेमी कंडक्टर। और इसी चैप्टर में आगे जब हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सेमी कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप सेमी कंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो इस बार जो सोडियम क्लोराइड सेमीकंडक्टर का काम करने वाला है वह किस टाइप का होगा? एन टाइप का होगा। यहाँ इस एन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, कि यदि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के चलते हो जिस पर नेगेटिव चार्ज देती है, यही नेगेटिव का एन लेकर के बन गया एन टाइप। तो यहाँ जो पी है ये पॉजिटिव होल्स के लिए होता है, आगे देखेंगे कि पॉजिटिव होल्स वगैरह क्या है। तो चूंकि अभी जो इसमें करंट जा रहा हो बताया ना इस इलेक्ट्रॉन के आने के चलते कि क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, और जिसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जब तुम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते जो है उससे करंट पास होगा। तो चूंकि कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह नेगेटिव का एन लेकर के बन गया एन टाइप।
तो क्वेश्चन यहाँ से भी आना है कि जो डिफेक्टिव सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो काम करेगा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसमें भी स्पेसिफाई कर देगा एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको ध्यान में रखना है कि किस टाइप के सेमीकंडक्टर का वह काम करेगा। उसके बाद कि यह जो कंडक्टिविटी आया इलेक्ट्रॉन के चलते, तो जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे जिंक ऑक्साइड वाला, कि जिंक ऑक्साइड है इसको हीट किए तो जिंक ऑक्साइड ही रहा, लेकिन यहाँ से एक ऑक्सीजन वो टू मॉलिक्यूल के रूप में निकल गया और दो इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के चलते ही एन टाइप है। रिएक्शन रिवर्सिबल था, अब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या होगा कि जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था अभी वापस इसी के अंदर घुस जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री था क्रिस्टल में अब वह इलेक्ट्रॉन फ्री रहा ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से गायब हो गया, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से गायब हो गया तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम कहाँ करेगा, मतलब कोई भी कंडक्टर का काम नहीं करने वाला है, करंट इससे नहीं जाएगा क्योंकि करंट जो इससे फ्लो कर रहा था वह इस इलेक्ट्रॉन के चलते, और इलेक्ट्रॉन कैसे आया तो या ऑक्साइड बदल गया था, अभी देखिए हम लोग कि ऑक्साइड बदल गया था O2 में और यही दो इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो जब इस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर को तुम बढ़ाओगे इंक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन ही लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन गेन करके अगेन ऑक्साइड बना लेगा और यही ऑक्साइड जा करके मिल जाएगा इसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन के चलते करंट जा रहा था वही इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, तो कहाँ से इससे करंट फ्लो करेगा और कैसे या सेमीकंडक्टर का काम करेगा, तो नहीं करेगा। इसीलिए प्रेशर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। कम प्रेशर है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा तो इसका कंडक्टिविटी जो है कम होते जाएगा, घटते जाएगा। तो इस तरह से इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को काफ़ी डिटेल में जो दो तरीका इसका था दोनों को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर से जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।